मैं इस वक्त बिहार विधानसभा परिसर में हूँ और आप मेरे साथ देख सकते हैं बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा हैं जो यहाँ पर यानी सदन पहुँचे हैं और इन्होंने अपने नाक के ऊपर मास्क लगाए हुए हैं, इनसे ही जानते हैं। सर ये बताइए क्या स्थिति है पटना की, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें। देखिए जहाँ तक एयर पोल्यूशन का सवाल है, पटना की स्थिति दिल्ली से बदतर है। कल दिल्ली में जब 205 का था तब सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की कि गैस के चैम्बर में लोगों को रहने को क्यों मजबूर कर रहे हो, एक ही बार में मार दो, इससे बड़ी टिप्पणी नहीं हो सकती। पटना में तो आज 400 पार है, तो दिल्ली से दुगुना प्रदूषित वायु पटना के लोगों को झेलना पड़ रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। विधान परिषद के कैंपस में, सीएम निवास में, गवर्नर हाउस में पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन जहां आम जनता रहती है वहां कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं पटना के लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार को इस दिशा में कठोर कदम, कारगर कदम उठाने चाहिए, इसलिए मैंने सांकेतिक रूप से पहन के आया हूं। लेकिन सरकार जो है जल जीवन हरियाली के लिए कई योजनाओं का एक तरीके से कहें तो शिलान्यास किया है और उस पर वो सब एक दिखावा है, बकवास है, भ्रष्टाचार पर कुछ और धन को निछावर करने की कोशिश है। पटना में हजारों पेड़ को सुशील मोदी ने कटवा दिया, जो बन के मंत्री वन विभाग के, पहले वो तो बताएं कि आपने पेड़ कटवाया क्यों, अब कह रहे हैं जल जीवन हरियाली, फिर कहते हैं करोड़ों पेड़ लगाएंगे, कौन देखेगा उसको लगा कि नहीं लगा। ये लोग मिलके जनता के पैसे पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आम जनता को कठिनाइयों में भेज दिया है, लोगों का जीना पटना में मुश्किल हो गया प्रदूषण के। आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस इसे एक मुद्दा बनाकर लोगों के सामने जा सकती है? बिल्कुल, ये बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू है, इससे बड़ा इशू कुछ नहीं। अगर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे खतरनाक स्थिति और क्या हो सकती है। सरकार गंभीर आपको दिख रही है इस मुद्दे? नहीं नहीं है, सरकार आई वॉश कर रही है, मीटिंग करना, विशेष सत्र बुलाना, जल जीवन हरियाली के नाम पर करोड़ों रुपये का आवंटन हो जाना, ये सब आई वॉश है, इससे कोई। तो हमारे साथ है प्रेमचंद मिश्रा, यह मास्क लगाकर बिहार विधानसभा पहुँचे हैं और एक तरीके से कहें तो इन्होंने सरकार को सचेत किया है कि एयर पोल्यूशन लगातार बिहार की राजधानी पटना में बढ़ता ही जा रहा है और सरकार दूसरी तरफ केवल बातें कर रही है, केवल दावे कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।